Hello students, in this video we shall discuss the unit of resistivity or specific resistance. इससे पहले वाले वीडियो में हमने resistivity और specific resistance की definition की बात start की थी और जिसको हमने इस तरीके से लिखा था. Resistivity और specific resistance is denoted by a symbol rho and इसको define करने के लिए हमने dependence of resistance से ये लिखा कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल सम कॉन्स्टेंट आ जाएगा और उस कॉन्स्टेंट को हमने रो लिखा है, रो इंटू एल अपॉन ए. यहां से रो का वैल्यू निकाला इस रिलेशन से तो आर ए अपॉन एल आ गया. अब मैंने यहां पर ए वायर, ऐसा वायर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस केस में इसका जो रेजिस्टेंस है वायर का वो रो के बराबर आ जाता है, यानी या फिर लिख सकता हूँ रो इज इक्वल टू आर, यानी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा. यानी जब किसी एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज सेड टू बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. यानी एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाएगा. यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बराबर होगा. कैसे वायर का, ऐसा वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो, लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ऐसे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहलाएगा. स्पेसिफिक क्यों बोला, क्योंकि स्पेशल कंडीशंस यहां पर डिफाइन की गई हैं और वो स्पेशल कंडीशंस क्या हैं कि लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो. ऐसे वायर जिसका लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, यदि इन डाइमेंशंस के साथ यदि हम कोई वायर कंसीडर करें तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा. सिंपली रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे उसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर नाम देंगे रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो ये हमने बात की थी रियो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रेजिस्टिविटी को. चलिए आज हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो यूनिट निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं, सिंस आर इज इक्वल टू रियो एल अपॉन ए, और यहां से रेजिस्टिविटी रियो इज इक्वल टू आ जाएगा आर ए अपॉन एल आ जाएगा. अब आर का यूनिट आप सब जानते हैं, रेजिस्टेंस है तो ओम लिखेंगे. ठीक है, ए एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा. एल लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा. मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या आ गया, ओम मीटर, ओम मीटर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस नहीं है, डैश है, ओम मीटर. ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओम को ऐसे बना दो, मीटर. ठीक है, तो ये यूनिट आ गया किसका, रेजिस्टिविटी का. व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओम मीटर. क्या है यूनिट, ओम मीटर, या इस तरीके से लिखें, ये रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया. ठीक है, आप चाहे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहां से निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी बात करेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है वायर की या जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है. जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, ये सब बातें हमने की थी. अब हम उसी तरीके से डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी भी जानना चाहते हैं कि ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है. तो ध्यान रखिएगा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर और कंडक्टर. कंडक्टर और वायर किस मटेरियल का बना हुआ है
उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। भाई कॉपर का है तो उसका वैल्यू कुछ और होगा, एल्युमिनियम का है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, आयरन है तो अलग होगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिए, नेचर ऑफ मटेरियल पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, ध्यान रहेगा। दूसरा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। भाई टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टिविटी बदलेगा, आगे हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे इस रिलेशन की, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टॉ। अब आपको ये अजीब सा लग रहा होगा भी ये क्या आ गया, लेकिन इसकी बात हम आगे करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, पर यूनिट वैल्यू वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, इसको टॉ कहते हैं, ये टी नहीं है, अम्ब्रेला जैसा इसका डंडी है, ये अम्ब्रेला का जैसे हैंडल होता है वैसा, और ये स्ट्रेट है, तो ये टॉ, टॉ क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, टॉ टॉ। और ये होता क्या है, ये फिजिकल मीनिंग इसका है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, नाम से ही पता चल रहा है कि रिलैक्स होने का जो टाइम होता है, आराम करने का जो टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ आराम कौन करेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आराम करेंगे, ठीक है ना, और क्यों करेंगे, क्योंकि कॉलिजन्स हो रही है उनके बीच में, तो दो, एक कॉलिजन के बाद में जब नेक्स्ट कॉलिजन होगी तो बीच में कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आएगा, ठीक है, तो वो रिलैक्सेशन टाइम। और ये टाइम कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है टेम्परेचर बदलने पर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग ये रिलैक्सेशन टाइम कम होता चला जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, तो ये भी हम बात करेंगे आगे, रेजिस्टिविटी किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, पहले हम इस रिलेशन को डिराइव करेंगे आगे, तो अभी इस पर ध्यान ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमें केवल ध्यान रखना है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर और कंडक्टर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यहाँ पर एक नोट ध्यान रखना, जो बार बार गलतियां होती हैं, ध्यान रखिएगा, इट डज नॉट डिपेंड, मैं लिख रहा हूं डज नॉट यानी नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन डाइमेंशंस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डाइमेंशंस, दैट इज लेंथ, लेंथ एंड एरिया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डाइमेंशंस, that is length and area of given wire or conductor, जो wire और conductor आपको दे रखा है उसकी length और area बदलने से resistivity नहीं बदलती, length और area बदलने से resistivity नहीं बदलती, ध्यान रखिएगा इस बात को, बार बार मैं बोल रहा हूं, resistivity does not depend on डाइमेंशंस, यानी लेंथ और एरिया पर ये डिपेंड नहीं करती, ध्यान रखिएगा इस बात को। रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस अलग चीज है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं ये अलग चीज है, मैंने अभी आपको बताया था, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डाइमेंशंस, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डाइमेंशंस पर, तो ये ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डाइमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता। अब थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका उसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, इफ ए 2 ओम वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक इट्स लेंथ डबल, डबल कैलकुलेट इट्स न्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कई लोगों का तो आंसर आ गया होगा, आया आंसर, हाँ बिल्कुल ठीक, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम, यस। देखिए कैसे बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, सीधे पढ़ेंगे, ये 2 ओम वायर इज स्ट्रेस्ड, एक वायर है, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसको खींचा गया है जिससे कि इसकी लेंथ एल,
इसकी इनिशियल वैल्यू एल का जो नया लेंथ है वो डबल हो जाए तो बताइए इसका रेजिस्टेंस। अब ये स्पेसिफिक पे ध्यान नहीं देते हैं, अरे भाई ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और ये शब्द लिखा नहीं होता है, ये तो मैंने आपको जानबूझ के लिखा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। यदि मैं इसको छुपा लेता हूँ रेजिस्टिविटी को तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर रेजिस्टेंस ही तो पूछा था, अरे भाई रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, क्या पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है क्वेश्चन में, लेंथ डबल कर रहे हैं, वायर को खींच रहे हैं, ठीक है, तो डाइमेंशंस में ही तो चेंज आ रहा है, मटेरियल इज नॉट चेंजिंग। क्या यहां मटेरियल में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, मटेरियल में चेंज नहीं है, केवल इसकी डाइमेंशंस में चेंज आ रहा है। इसलिए जो रेजिस्टिविटी का आंसर होगा, न्यू रेजिस्टिविटी, न्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, न्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एज न्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डाइमेंशंस। किस पर डिपेंड नहीं करता, डाइमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता है, देयरफोर इट विल रिमेन सेम। जो पहले था रेजिस्टिविटी का वैल्यू वही रहने वाला है क्योंकि ये डाइमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात हुई डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी की, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ओम्स लॉ, वो भी हमने 10th क्लास में पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए वही चल रहे हैं। ओम्स लॉ, ठीक है। देखिए अभी तक हमने रेजिस्टेंस जान लिया, इलेक्ट्रिक करंट जान लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान लिया, V पता है, I पता है, R पता है, तो ओम्स लॉ हम जान सकते हैं आसानी से, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस रिलेशन को दिया था। क्या कहा उन्होंने, द पोटेंशियल एज पर ओम्स लॉ के अनुसार द पोटेंशियल across the ends of a wire is directly proportional to the amount of current flowing through that wire unless all external conditions, ये उन्होंने शर्त लगा दी इसमें, external conditions like temperature प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब आपने 11th में पढ़ा था, एटसेट्रा रिमेन सेम और कॉन्स्टेंट। समझ में आया होगा आपको क्या लिखा है मैंने, एज पर ओम्स लॉ द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ a wire V is directly proportional to the amount of current I flowing through that wire unless जब तक all external conditions, ध्यान रखिएगा ये जो ये लिखना जरूरी है, unless all external conditions like temperature, pressure, stress, strain, etc. remains same or constant। जहां पर आप ये conductor का यूज कर रहे हैं उसका पोटेंशियल और करंट स्टडी करने के लिए, उस जगह पर उस ना तो प्रेशर में चेंज हो वायर के, ना टेम्परेचर में चेंज हो, ना स्ट्रेस में कोई चेंज आए, ना स्ट्रेन में कोई चेंज आए, जब ये सारी कंडीशंस कांस्टेंट हैं, उस समय उस वायर के
एंड्स, मान लीजिए ये वायर ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये वायर लिया, इस वायर, चलिए वैसा ही बना लेता हूं, ये वायर है, वायर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो है V, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और इसमें फ्लो होने वाला करंट मैं मान लेता हूं कितना है I, तो ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, जब तक, कब तक होगा ऐसा, जब तक कि टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन इस वायर के चेंज ना हो। ये किसने बताया? ओम ने बताया, उन्होंने अपना रिसर्च किया, परफॉर्म किया रिसर्च, और उसके बाद में उन्होंने जो इन्फ्रेंसेज और कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे, ठीक है, उस आधार पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर अनलेस ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन रिमेन्स सेम। ठीक है, यानी मैथमेटिकली यदि हम लिखना चाहें इसको, मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए तभी होगा, और जब कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो R आ जाएगा, V इज इक्वल टू आर आई, ये ओम्स लॉ का रिलेशन हो गया, ओम्स रिलेशन इसको कहते हैं। ठीक है, वेयर R इज ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस। ठीक है, यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम, और ये क्या है पोटेंशियल, यूनिट क्या होता है वोल्ट, ये क्या है आई, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या होता है एम्पियर, सब पता है आपको। अब उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, वी और आई ग्राफ प्लॉट किया था उन्होंने इस कंडक्टर के लिए, जो ये कंडक्टर लिया इसमें वोल्टेज की वैल्यू बदली और करंट की वैल्यू बदली, एक्चुअली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया था और फिर वो ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो वो क्या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था देख लेते हैं जरा, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, उन्होंने एक क्या लिया, एक रेजिस्टेंस वायर लिया, ये रेजिस्टेंस आर, और इसके पैरेलल में जोड़ दिया वी, पैरेलल में ही जुड़ता है वोल्ट मीटर, और करंट मेजर करने के लिए एमीटर जोड़ दिया, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों वायर के बीच, वायर के, ये वायर है हमारा, कौन सा, ये वायर है, इस वायर का मैं नाम दे देता हूँ एम एन, एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और इस वायर के अक्रॉस हमने पैरेलल में एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर, और करंट को मेजर करने के लिए एमीटर जोड़ा है, और वायर के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना है तो एक बैटरी जोड़ दी, इस सिरे को पॉजिटिव एंड से जोड़ा, इस सिरे को नेगेटिव एंड से, और यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक की लगाई, की भी लगा दी, ठीक है, और एक रियोस्टेट लगा दिया, क्या लगा दिया, रियोस्टेट, RH रियोस्टेट है, रियोस्टेट क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है, रियोस्टेट क्या काम क्या है, करंट को कंट्रोल करता है, और ये की है, ये क्या है, की, इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था जो आपने 10th क्लास में भी देखा और परफॉर्म भी किया, और बैटरी से जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है V, और उसको मेजर करने का काम कौन कर रहा है, ये वोल्ट मीटर, ठीक है, तो जब रियोस्टेट को इधर उधर मूव करेंगे, आप इसको स्लाइड वायर रजिस्टर भी कह सकते हैं, इसका रजिस्टेंस बदल सकते हैं इधर उधर मूव करके, तो जब रियोस्टेट की इधर उधर मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा, रेजिस्टेंस बदलने की वजह से वोल्टेज का वैल्यू और करंट का वैल्यू बदलेगा, तो वोल्टेज और करंट हम नोट कर लेंगे, ठीक है, और फिर R निकाल लेंगे V अपॉन I से, ठीक है, तो मान लीजिए वोल्टेज आपका 0.2, वोल्टेज को वोल्ट में ले रहे हैं, करंट को एम्पियर में ले रहे हैं, और रेजिस्टेंस को आप ओम में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यदि वोल्टेज 0.2 है तो करंट भी लगभग उसी के आसपास आएगा, दोनों का रेशो बना जाएगा, ये 0.4 है तो ये 0.4 एम्पियर आएगा, ये रेजिस्टेंस, इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे और देखेंगे, हो सकता है ऐसा भी हो, ये 0.8 है और ये 0.7 है, तो अप्रोक्सीमेटली हम बनी लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम
काफी सारे कम से कम छह ऑब्जर्वेशन तो आपको लेने ही है, और उससे ज्यादा तो आप कम नहीं ले सकते, उससे ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी। इसलिए तो यहाँ पर हमने वोल्टेज को बदला, इसकी हेल्प से, रियोस्टेट की हेल्प से बदला, रेजिस्टेंस बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा तो सर्किट में करंट बदलेगा। अब जो करंट बदल, वोल्टेज और करंट है वो अलग अलग जगह पर हमने नोट कर लिया इस तरीके से। देखिए रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, यानी जितना वोल्टेज में चेंज हुआ उतना करंट में चेंज हो गया, जितना वोल्टेज में चेंज हुआ उतना करंट में चेंज हो गया। तो यहां से फिर उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ कैसे प्लॉट किया, ग्राफ कुछ इस तरीके से लिया उन्होंने, वी को यानी वोल्ट को एक्स एक्सिस पर ले लिया, आई यानी करंट जिसको एम्पियर में मेजर करते हैं इसको वाई एक्सिस पर ले लिया, और इन सभी वैल्यूज को आप जानते ही हैं ग्राफ प्लॉट करना, इधर लिखा डिफरेंट प्लेसेस पर, स्केल ले लिया, इधर भी स्केल ले लिया, ठीक है। और जब पॉइंट टू के लिए पॉइंट टू, तो इस तरीके से ये ग्राफ आ गया। कैसा ग्राफ आ जाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है। किस टाइप का ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है, ठीक है। और इसको कहते हैं थीटा, इसको क्या कहते हैं, थीटा। आई के साथ, आई एक्सिस के साथ जो ये एंगल बन रहा है इसको हम थीटा मान लेते हैं, और यहां से मैं टेन थीटा ले लेता हूं तो ये आ जाएगा वी अपॉन, सॉरी आई, वी अपॉन आई आएगा, डेफिनेटली वी अपॉन आई आएगा, और यही टेन थीटा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। अब आप कहेंगे जी वाई अपॉन एक्स होता है स्लोप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसको यहां से इस तरीके से प्लॉट कीजिए, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस थीटा के सामने ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, ये तो हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये रहा, और बेस क्या है, आई, तो वी अपॉन आई आया, तो स्लोप क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। इस ग्राफ को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी, यदि आई को मैं इधर ले लूं एम्पियर, ठीक है, इधर ले लेता हूं, वी को इधर ले लेता हूं वोल्ट में, तो तब भी क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है, केवल स्लोप में चेंज आएगा। अब थीटा का ध्यान रखना, हमेशा आई की एक्सिस के साथ लेना है, आई के साथ लेना है थीटा को, ध्यान रखिएगा इस बात का, जरूर ध्यान रखना। अब इसका स्लोप चाहिए मुझे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब इसका स्लोप लेऊंगा तो देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये तो हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहां से टेन थीटा यानी स्लोप मैं निकालता हूं, स्लोप, इसका स्लोप जो निकलेगा, स्लोप क्या आ जाएगा इसका, टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, वी, और बेस क्या है, आई, तो यहां भी वी अपॉन आई आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में स्लोप बी अपॉन आई आएगा, ध्यान रखिएगा ये थीटा जो है आप आई के साथ मानेंगे, ठीक है।